Subhashji, women-oriented subjects are become the fashion of the film industry. One after the other, there are many films of women based on women. So what is your take on women-oriented subject and why did you choose this subject? क्योंकि कुछ recently ऐसा हुआ है हमारे देश में कि दो problems बहुत उभर के आई हैं. एक तो गरीबी, disparity of wealth. ये बहुत बड़ा subject हमारे देश में आया है और सबको चुभने लगा है, गुस्सा आने लगा है. और दूसरा वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट. ये पहले इतना नहीं था जितना कि अभी जो कि जागृति हुई है, समझ लीजिए, या एजुकेशन हुई है, कि अभी ये सब्जेक्ट जो है एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट है कि जो लोग झंझोड़ के बात करना चाहते हैं कि वुमेन मस्ट बी गिवन ए पावर. वुमेन, वुमेन हैज अ स्ट्रेंथ. वी आर ऑल द स्वीट चिल्ड्रन ऑफ मदर, ए वुमेन. एंड जब ये सब्जेक्ट इस तरह का आता है तो उसके कुछ दर्द, उसके कुछ इश्यूज, उसकी कुछ खुशियां, जो वुमेन में बात है वो किसी में मिलेगी. अब भगवान के बाद अगर कोई आता है तो वुमेन आती है, बिकॉज दैट इज वाई वी कॉल मदर. बुरे से बुरा आदमी भी अपनी मदर का सत्कार करता है, प्यार करता है उसको, और बुरी से बुरी माँ भी अपने बच्चों को प्यार करती है. मदर इज ऑलवेज अ गिविंग, वुमेन इज ऑलवेज अ गिविंग. सो मैंने मेल फिल्में भी बनाई है, बना भी सकता था, मैं किसी के साथ भी बना सकता था, मुझे क्या जरूरत थी बनाई. मैंने आपसे कहा ना, जब सब्जेक्ट मुझे टच करता है मेरे दिल को तो मैं बनाऊँ. कालीचरण भी बनाई, खलनायक भी बनाई, बहुत सी मेल फिल्में बनाई मैंने, लेकिन कांची मेरे दिल को टच की और मुझे लगा कि फिल्म आपकी आज की है, एक मैसेज है इसमें. कांची हैज अ ह्यूज मैसेज फॉर एवरी गर्ल ऑफ दिस कंट्री. नॉट दैट इट इज अ फिलोसफिकल फिल्म, इट इज अगेन ए कमर्शियल फिल्म, इट अगेन ए जर्नी, अगेन ए मसाला फिल्म, बट फाइनली व्हेन यू कम आउट यू कम विद अ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट, विद इमोशन. यस, ए वन वुमन शुड हैव स्ट्रेंथ. These days, release date of the film seems to be very important. So, was it a conscious effort to release the film during elections, considering the fact that the film has such a backdrop, or is it just a coincidence? It's just a coincidence. I wanted to release in December, actually. But question is that I wanted to see film. I wanted to, the way I make film, I should make that way, because we have never made a film with the release target. क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि release target में आप film कैसे बना सकते हैं. हम लोगों ने जब फिल्में बनाते थे दो चीज़ें कभी नहीं सोचते थे, एक तो पैसा कितना खर्चा होगा, दूसरा रिलीज कब करेंगे. फिल्म देखेंगे, फिल्म अच्छी लगेगी, जिस दिन अच्छी लगेगी उस दिन कहेंगे रिलीज करो. लेकिन अभी क्या होता है, स्क्रिप्ट के साथ डेट आ जाती है 24 जनवरी, अरे बाप रे, तो आपके हिकअप्स आने शुरू होते हैं. इट्स ए प्रोसेस, एंड पर्टिकुलरली बींग ए राइटर एंड डायरेक्टर एंड एडिटर एंड सो मेनी थिंग्स माई सेल्फ डूइंग, सो आई नीड माई टाइम. सो दिसंबर में करने वाला था तो मैंने कहा नहीं, जब तक मैं फिल्म पूरी नहीं देखूंगा मैं फिल्म रिलीज नहीं करूंगा. तो फिर हमने 25 अप्रैल की. अभी कोइंसिडेंस है कि भाई वो इलेक्शन के दिन है या IPL के दिन है, वो तो होता ही है, लेकिन अगर पिक्चर अच्छी है तो इट विल स्टैंड.